हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। आज की हमारी पेडागोजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है एंड सभी को मेरी तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। एंड अब बात करते हैं अपनी टीचिंग की। जो भी हम अभी तक की स्टडीज़ कर रहे थे, अपना क्या क्या कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बाकी प्रीवियस आप जो हैं सारी वीडियोस हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं, जो भी हमारी साइकोलॉजी की है और पेडागोजी की जितनी क्लासेस हो चुकी है, ठीक है। और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक और बात, पेडागोजी में मैंने इवैल्यूएशन पूरा पढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रह गया है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूँगी। एंड उसके रिलेटेड बाकी जो फर्स्ट करिकुलम था वो भी मैंने पूरा टीच कर दिया है। अगर उसमें भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेशन के थ्रू कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, अगर कुछ मिस हो गया हो तो भी पूछ सकते हैं। नाउ आज हम बात करते हैं, एंड हाँ, मैंने प्लान्स भी पढ़ा दिए, इंस्ट्रक्शन प्लान्स, आपके यूनिट प्लान्स एंड एलपीज़ वगैरह। एंड आज हम बात करें इंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि निर्देशन सामग्री का, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अब आपको नाम से ही थोड़ा मतलब कंफर्म हो रहा होगा कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि निर्देशन सामग्री होता क्या है। देखिए, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे, कोई ऐसे मटेरियल्स, कोई ऐसा सामान जो आपको किसी काम को करने के लिए या किसी भी चीज़ को करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे, ठीक है। आपको पता है जब आप टीचिंग करते हो या फिर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनिंग पर जाते हो, अगर आप ऑफिस में भी कहीं पर न्यू ज्वाइनिंग करते हो देन ट्रेनिंग लेते हो, तो वहाँ पे जो आपके बॉस होते हैं या आपका सुपरवाइज़र होता है वो आपको किसी ना किसी तरह की क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये काम ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, यहाँ पर फाइल सबमिट करनी है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट सबमिट करानी है, देन आपको इसका इवैल्यूएशन करना है, ये काम करना है, ठीक है। तो वो जो सारी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो निर्देशन दिए जाते हैं, अगर वो आपको किसी मटेरियल के थ्रू दिए जा रहे हैं तो वो हो गया इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो वर्बली या किसी पर्सन के थ्रू दिए जा रहे हैं तो वो हो गया आपको इंस्ट्रक्शंस बाय पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की, तो मतलब हमारे टीचिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मटेरियल अब कौन कौन से होंगे जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कैसे टीचिंग करनी है, क्या चीज़ पढ़ानी है। आप अपने घर से तो चीज़ें नहीं पढ़ा सकते ना। जब एक टीचर क्लास में परफॉर्म करती है या टीचिंग करवाती है तो वो क्या घर से सोच के आती है कि ठीक है आज मैंने टीवी पे सास बहू देखा है, मैं यही बच्चों को पढ़ा दूंगी। वो थोड़ी ना पढ़ाएगी। पढ़ाएगी क्या, जो उसकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल होगा, जो उसकी वर्क बुक में अवेलेबल होगा, ठीक है, या उसकी इंस्ट्रक्शन गाइड में अवेलेबल होगा, टीचर्स गाइड में होगा। तो जो सामान मतलब जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल टीचर्स को उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है कि इस क्लासरूम के अकॉर्डिंग ये बच्चे की टेक्स्ट बुक है, ये वर्क बुक है, ये आपकी टीचर्स गाइड है या बाकी चीज़ें हैं, तो इसके थ्रू आपको बच्चे को पढ़ाना है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक पूरा से प्लान करिकुलम सेट होता है जिसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स अवेलेबल होते हैं, आपको क्या क्या करना है वो अवेलेबल होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम्स अवेलेबल होते हैं। सिर्फ आपको अपनी टेक्निक्स और स्किल का यूज़ करते हुए बच्चों की टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है, ठीक है, या बच्चों की टीचिंग करवानी है कि वो और अच्छी कैसे हो सके या और अच्छी उसको इफ़ेक्टिव या इंटरेस्टिंग आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब समझ आ गया कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स क्या होता है, जो टीचर्स को इंस्ट्रक्ट करें, जो टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दें कि आपको टीचिंग कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ाना है, किस लेवल पे कौन सी पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल करना है, कौन सा बच्चों को क्लासरूम वर्क देना है, कौन सा होमवर्क वर्क देना है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी इंस्ट्रक्शन मटेरियल के थ्रू टीचर्स को पता चलती है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे टाइप हैं हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो आपके सिलेबस में भी अवेलेबल हैं आपके केवीएस में। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो आज हम टेक्स्ट बुक के बारे में अभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा फर्स्ट आपकी टेक्स्ट बुक, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाठ्य पुस्तक। अब आपकी टेक्स्ट बुक क्या होती है, टेक्स्ट बुक एक ऐसी सामग्री है या एक ऐसा मटेरियल है
जिसके अंदर आपको सारा लेखा जोखा एक ही पुस्तक के अंदर दिया जाता है, जो आपको पूरे साल भर में पढ़ाना है, पूरे वर्ष में, पूरे सेशन में बच्चों को पढ़ाना है, ये जिसका ज्ञान बच्चों को देना है, ठीक है। उसके अंदर ये भी अवेलेबल होता है कि आपको गृह कार्य यानी कि होमवर्क किस रूप में देना है, क्लास वर्क कैसे करवाना है, कौन कौन सी टीचिंग एड्स आप यूज़ कर सकते हो, या कौन कौन से मेथड्स और शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो अपनी टीचिंग के अंदर, ठीक है, और कैसे आप अपनी क्लासरूम को और इफ़ेक्टिव बना सकते हो अपनी नॉलेज के थ्रू, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक एक ऐसी सामग्री है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता। अगर आप बच्चों को बोलो, फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको एक ऐसी बुक मिल जाए केवीएस से रिलेटेड कि आपको जहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हो या सारी सामग्री अवेलेबल हो जितना भी आपके सिलेबस में आना है, तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा ना, आप सारा उसी से पढ़ लोगे, पूरी डीप नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन क्या है, केवीएस ने तो अपनी ऐसी कोई बुक नहीं निकाली कि ये लीजिए इसमें से सब कुछ आएगा, आप पढ़ लीजिए। अब आप क्या करते हो, कुछ लोग वीडियोज़ देखते हैं, कुछ लोग पीडीएफ पढ़ते हैं, कुछ लोग अपनी डाइट्स की बुक यूज़ करते हैं, कुछ लोग एनआईओसीएस की बुक्स यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप क्या है इधर उधर से अपना मटेरियल कलेक्ट करते हो, ठीक है, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। लेकिन जब फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक की जो हमारी क्लास होती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू हमें एक ऑर्गेनाइज सिस्टम दिया जाता है, उसके अंदर हमारी टेक्स्ट बुक अवेलेबल होती है जिसके अंदर हमें कहीं भागना नहीं पड़ता। सारी चीज़ें क्या हैं, उसके अंदर अवेलेबल होती है कि चैप्टर वाइज कि आपको फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ानी है, सेकेंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, उसके अकॉर्डिंग आप सारी टीचिंग बच्चों की करवाते हो, जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होते हैं कि आपको कौन से लेवल पे कौन सी टीचिंग करवानी है, कब कौन से पार्ट को पढ़ाना है, किस थ्रू पढ़वाना है, किस थ्रू नहीं पढ़वाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर होती है। अब इसके बाद कोठारी आयोग के द्वारा टेक्स्ट बुक के लिए एक बात कही गई थी, वो मैं बता देती हूँ आपको। कोठारी आयोग ने कहा था, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। पाठ्य पुस्तकों के विश्लेषण से यह पाया गया है कि हमारे देश में अपनी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का बहुत अभाव है। मतलब हमारे कोठारी आयोग ने कहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू क्या है, हमारी टेक्स्ट बुक बनाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उनका सारा का सारा ध्यान किस पे रहता है, टीचिंग मटेरियल्स पे रहता है या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे रहता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ऊपर नहीं रहता है। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे आयोग ने बोला था, कोठारी आयोग ने, कि जो हमारे देश में पाठ्य पुस्तक अवेलेबल है उनमें अपनी भाषा यानी कि मातृभाषा का ज़्यादा प्रयोग नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग से क्या होते हैं, अपनी मातृभाषा में ही घर से लर्निंग करना सीखते हैं, फिर प्राइमरी क्लास में स्कूल में जाते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही सीखते हैं हिंदी में, लेकिन जब टेक्स्ट बुक उस लैंग्वेज में अगर अवेलेबल नहीं है या उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या वो चीज़ें नहीं हैं जो एक बच्चे को उस लेवल पर पता होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है, बच्चे के विकास के लिए वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। उसके बाद बोला है, जो पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हैं उनका स्तर भी इतना अच्छा नहीं है, जैसे अभी मैंने बताया आपको क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जो व्यक्ति अपने विषय के विशेषज्ञ हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक लिखने की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। अब एक चीज़ याद रखना, लास्ट पॉइंट इसमें बोला है कि उसका विशेष कारण ये है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की और मातृभाषा में नहीं है, उसका मेन रीज़न ये है कि जो टीचर्स अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं, जैसे कोई मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट है, कोई साइकोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट है, कोई साइंस का बहुत अच्छा टीचर है, वो पाठ्य पुस्तक लिखने की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। एक बात और, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हो, मतलब क्वेश्चंस पेपर आप उठा के देखिएगा, जितने भी पेपर्स हुए थे उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत बार देखा गया है वो क्वेश्चन। क्या पूछा जाता है उसके अंदर, ये पूछा जाता है कि एक शिक्षक को
अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जो उसके लिए एज अ टीचर अच्छा भी हो, उसकी टीचिंग को भी प्रभावित ना करे और उसके मतलब उसकी जो पर्सनालिटी है उसको भी प्रभावित ना करे या उसकी वो उससे अपनी इनकम इंक्रीज कर सके। तो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं एक्स्ट्रा ट्यूशन देकर, पाठ्य पुस्तक लिखकर या फिर और कोई अन्य कार्य करके, ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे कई बार क्या उसमें होते हैं कि ऑप्शन लगा देते हैं ए की एक्स्ट्रा ट्यूशन देके, वो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। जो हमारी गवर्नमेंट है या किसी भी शिक्षक के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो ये दिए जाते हैं कि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है वो अन्य कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकता, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन्स तो लगाना ही नहीं है, वो ऑप्शन ही गलत है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन जो है कि वो पाठ्य पुस्तक लिख सकता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एज अ टीचर उसकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है और वो अपनी स्किल्स का क्या है, पाठ्य पुस्तक निर्माण करके बच्चों की ही हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपका वहाँ पे वो ऑप्शन सही होता है। अब बात करते हैं कि टेक्स्ट बुक की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है, ठीक है। टेक्स्ट बुक की करेक्टरिस्टिक्स और मैरिट्स मतलब विशेषताएं क्या है पाठ्य पुस्तक की, हम क्यों बनाते हैं या उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। पहली बात तो ये, पहली बात पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कराए जो सरल से जटिल की ओर हो, ठीक है, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो। पहले उसे सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ाई जाए, देन उसका जो लेवल है वो टफ कर दिया जाए, वो हार्ड हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़े। अगर आप प्राइमरी क्लासेस में ही बच्चों को मतलब बोर्ड मास पढ़ा दोगे फिफ्थ क्लास में, फोर्थ क्लास में, तो वो तो समझ नहीं पाएगा कि बोर्ड मास भला क्या है, कैसे पढ़ा दिया, अभी तो वो प्लस माइनस ही सीख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए वो इस चीज़ को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए कि कौन सी क्लासरूम के अंदर कौन सी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आपको पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना है, या सरल चीज़ें रखनी है या कॉम्प्लेक्स चीज़ें रखनी है, बच्चों के लेवल को ध्यान रखना है, बच्चों की मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखना है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट कि बच्चों की टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए कि जो उनको अपने जीवन से संबंधित करे, मतलब उसकी डेली लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके अंदर रही हो, वो अपने आप को टेक्स्ट बुक पढ़ के अपने आप को क्या है अपनी डेली लाइफ से भी कनेक्ट कर सके। ऐसा ना हो कि केवल बुकिश लैंग्वेज आप बच्चों को दे दे, ऐसी पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर दे कि आपको टेक्स्ट बुक मिल गई, आपने पढ़ा, ठीक है, बात खत्म हो गई, आपको जितनी नॉलेज आनी थी आपने ले ली। आपको उस पर ध्यान देना है कि बच्चे ने जो अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो नॉलेज गेन करी है उसका वो अपनी डेली लाइफ में कितना यूज़ कर रहा है। जैसे आप बच्चों को क्या है, बच्चे पढ़ने के बाद क्या करते हैं, डिग्री हासिल करने के बाद क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं, अच्छी जॉब लेते हैं, अपने करियर सेट करते हैं, एक अच्छी सैलरी उनकी होती है, एक अच्छा घर उनके पास होता है, बाकी अदर फैसिलिटीज़ उनके पास होती है, लग्जरी लाइफ होती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मिली हैं बच्चों को, मेहनत करके, एजुकेशन के द्वारा, जो उसने अपनी सीखी थी चीज़ें उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक निर्माण करते टाइम ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आपकी जीवन से संबंधित हो, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो। उसके बाद कोई भी टेक्स्ट बुक आप बनाएं, कोई भी, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके उद्देश्य की पूर्ति करे, आपको इस बात पे ध्यान देना है। मतलब अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स बना रहे हो, तो इस जो आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है वो इस बात पे बेस्ड होनी चाहिए कि गणित से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड जो भी निर्मित उद्देश्य हैं उनकी आप पूर्ति कर सके। मतलब जो आप प्री प्लान ऑब्जेक्टिव सेट्स करते हो उनको आप इजीली अचीव कर सको कि मैथ्स में बच्चे प्लस माइनस सीख जाएंगे, बोर्ड मार्क्स सीख जाएंगे, अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड उनको कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सीख जाएंगे, अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करेंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बच्चे अचीव करें, इन बात पे ध्यान देना है कि आपकी टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए कि जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपनी टेक्स्ट बुक बना रहे हो वो आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में
हेल्प करे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि टेक्स्ट बुक के अंदर नवीन आविष्कार, डिस्कवरीज और ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए जो आपकी परिस्थितियों के अनुकूल, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो हम फ्लेक्सिबिलिटी का एक गुण होना चाहिए टेक्स्ट बुक के अंदर, कि अगर आपको टाइम पे लग रहा है कि ये वाली टेक्स्ट बुक बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ये वाली टेक्स्ट बुक तो पहले वाले बच्चों के लिए ठीक थी लेकिन अब वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ पे आप उस टेक्स्ट बुक के अंदर क्या है अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकें, ठीक है। और बुक आपकी टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ नया नया करने के ऑप्शंस हो, जिसके अंदर कुछ नया डिस्कवर करने के ऑप्शंस हो, ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज में बच्चों ने पढ़ ली, उसको रट लिया, उसको बात ख़त्म। आप बच्चों को इतना एक्साइटमेंट दीजिए, ऐसे चीज़ें, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराइए जिसमें बच्चे क्या करें अपने अकॉर्डिंग कुछ न्यू डिस्कवर करने के लिए एक्साइटेड हो, कि मुझे हाँ ये चीज़ का पता लगाना है, ऐसे करना है, कुछ न्यू फॉर्मूला डेवलप करना है, कुछ साइंस में नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, इस चीज़ की नवीन नवीन चीज़ें यानी कि नवीन परिस्थितियाँ या न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे के टेक्स्ट बुक के अंदर होने चाहिए, जिससे वो बच्चा और ज़्यादा उसमें एक्साइटेड हो और अपनी क्रिएटिविटी को उसके अंदर बढ़ा सके, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका जो करैक्टरिस्टिक्स और गुण का है टेक्स्ट बुक का, वो ये है कि आपकी टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सारी शिक्षण विधियों का यूज़ हो सके, मतलब टेक्स्ट बुक केवल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि केवल एक्टिविटी पे ही बेस्ड है, सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड है और आप पूरी क्लास में या पूरे साल क्या है एक्टिविटी खेलते खेलते बच्चों को सब लर्निंग कराओ। टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो चैप्टर के अनुकूल हो और चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आपकी स्किल्स चेंज हो, आपके मेथड्स चेंज हो, मतलब कहीं पर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हो, कहीं पर आप जो है एक्टिविटी मेथड का यूज़ कर रहे हो, कहीं पे आप फ्रोबेल की प्लेवे मेथड का यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी टेक्स्ट बुक पे डिपेंड करती है कि आपकी टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आप क्या है अपनी टीचिंग लर्निंग जो आपके मेथड्स हैं उनका सभी एक अनुसार क्या है उसका ईजी वे में उपयोग करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर एग्जांपल्स अवेलेबल हो। अगर किसी टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जांपल्स अवेलेबल नहीं है तो बच्चों की लर्निंग में वो अच्छी टेक्स्ट बुक नहीं कहलाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर बच्चे को अपने कॉन्टेंट से रिलेटेड अगर एग्जाम्पल्स नहीं दिए जाएंगे, अब मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, अगर एक चीज़ को पढ़ा के आपको एग्जांपल दे देती हूँ तो वो आपको लर्न करने में या समझने में बहुत इजी होता है कि हाँ इस एग्जांपल के थ्रू बताया है तो बहुत इजी वे में मुझे ये चीज़ पता चल गई कि ये जो लिखी हुई लैंग्वेज है वो कहना क्या चाह रही है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों के अकॉर्डिंग भी हमें टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स रखने हैं जिससे बच्चे क्या हैं जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है कंटेंट या उसका चैप्टर अगर उसमें एग्जांपल्स होंगे तो बच्चा क्या है उसको इजी वे में सीखेगा भी और बहुत जल्दी क्या है लर्निंग भी करेगा। लेकिन अगर आप एग्जांपल्स अवेलेबल नहीं रखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर, एग्जांपल्स ही नहीं होंगे तो बच्चे क्या है हो सकता है कई बार कि आपने जो ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया या जो बुक में बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चों को समझ ही ना आए। तो एग्जाम्पल्स एक ऐसा मेन पॉइंट है या ऐसा इजी वे है जिससे बच्चे क्या है अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके उसको इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है उनकी जो क्लैरिटी है, मतलब जो भी आपका लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन मटीरियल, निर्देशन सामग्री आपकी टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्यक्रम, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, काफ़ी डार्क और गहरे कलर में मैंने लिखा है। अगर इसको मैं हल्के हल्के मार्कर से लिख देती जिसमें कहीं पे कट हो रहा होता है या क्लैरिटी नहीं होती तो आपको क्या है आपको ब्लैक बोर्ड पर भी देख के कुछ समझ नहीं आता कि मैम ने लिखा क्या है, किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, ठीक है।
तो इसीलिए बच्चों की पाठ्य पुस्तक भी ऐसी होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक क्लैरिटी हो, जिसमें शब्द गाढ़े रंग में हो, जिससे बच्चों को उसको प्रॉपर वे में पढ़ने में समझने में ईजी हो, देखने में ईजी हो, ठीक है। और उसमें क्या है, उसके अर्थ में स्पष्टता हो, मतलब जो भी पाठ्य पुस्तक में कंटेंट है वो जो कहना चाह रहा है, बच्चों को जो समझाना चाह रहा है उसमें क्लैरिटी हो, उसका अर्थ बच्चों को उसी रूप में समझ आए, डबल मीनिंग ना हो। कई बार हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें क्या हैं, डबल मीनिंग हो जाती है, मतलब एक जो लाइन है या एक कॉन्सेप्ट है उसके दो दो या तीन तीन मतलब निकलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा कुछ मीनिंग ले जाए, कोई बच्चा कुछ ले जाए। तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग उसके जो भी उसके अंदर आपने कंटेंट अवेलेबल किया है, जो भी चैप्टर अवेलेबल किया है, वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अर्थ में स्पष्टता होनी चाहिए कि बच्चों को सभी को समान रूप में समझ आए। ये ना कि डबल मीनिंग आपने कॉन्सेप्ट रख दिए या एग्जांपल्स ऐसे दे दिए कि डबल मीनिंग है, तो बच्चों को वहाँ पर क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पर बच्चों की उस कंटेंट से रिलेटेड क्या है, क्लैरिटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि टेक्स्ट बुक के अंदर ये चीज़ भी अवेलेबल होनी चाहिए कि जो आप पहले पढ़ चुके हो। अगर मान लीजिए आपकी बुक में 15 चैप्टर हैं और आज आप 5th चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उससे पहले जो आपने 4 चैप्टर्स पढ़े हैं 1, 2, 3, 4, उसको रिपीट करने की या उसको रिकॉल करने की, उसको रिवाइज करने की जो क्वालिटी है या जो फिर फैसिलिटी है, वो उस 5th चैप्टर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए कि बच्चे को हर नए पार्ट के अंदर पुराना पढ़ा हुआ दोहराने की फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे बच्चों की रिवीजन तो होती ही होती है। उसके बाद बच्चों को ये समझने में सहायक होता है कि जो हमने अभी तक पुराना पढ़ा है वो हमारा यूजलेस नहीं है, वो हमारा इस वाले कंटेंट से रिलेटेड है, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों के हर नए चैप्टर में ऐसी फैसिलिटीज़ रखें, ऐसी टेक्स्ट बुक का निर्माण करें जहाँ पे पुराने टेक्स्ट बुक को दोहराने की फैसिलिटीज़ हो या पुराने पार्ट को दोहराने की जो फैसिलिटी है वो हो, जिससे बच्चे अपना पुराना ज्ञान क्या है रिकॉल कर पाए या नई नॉलेज को रिवाइज कर पाए, नए के साथ रिलेट कर पाए, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज़ क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आता है जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल होनी चाहिए। आपने सभी पाठ्य पुस्तक यानी कि सभी टेक्स्ट बुक के अंदर देखा होगा कि जो भी चैप्टर टीचर पढ़ाती है कि ये फर्स्ट चैप्टर टीचर पढ़ा रही है, तो उसके लास्ट में क्या होता है, एक्सरसाइज का ऑप्शन होता है, एक्सरसाइज का ऑप्शन होता है जिसके अंदर आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्या है, वो कोई भी बुक हो आपकी, मैथ्स की, साइंस की, लास्ट में क्या है, एक्सरसाइज रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो जो पूरा पाठ पढ़ाया गया है उसके बाद जो एक्सरसाइज क्यों करवाई जाती है, ताकि ये देखा जाए, आपका इवैल्यूएशन किया जाए कि जो आपने पूरा पाठ पढ़ा है आप उससे संबंधित कितने आंसर्स कर पाते हो, कितने सवालों के जवाब दे पाते हो, या कितनी आपको नॉलेज हो गई है जो भी हमने पढ़ा है, कितना आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसा तो नहीं कि हमने जो टॉपिक पढ़ा और आप भूल गए, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप क्या है उस एक्सरसाइज से रिलेटेड भी क्या है आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। वहाँ पे इन बातों का भी ध्यान रखना है कि एज अ टीचर आपको वो एक्सरसाइज बच्चों से क्लासरूम के अंदर डिस्कस करनी है, और जो पेंडिंग रह जाएंगी, रिमेनिंग में रह जाएंगी, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बच्चे ने ये वाला मुझे आंसर कर दिया तो इसको तो इजीली कर ही लेगा, तो वो वाली चीज़ें क्या है, बच्चों की सेकंड ऑप्शन आप होमवर्क में दे सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि बच्चों के साथ क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हो, डिस्कस नहीं कर रहे हो, या एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बात नहीं पूछ रहे हो, तो क्या होगा कि घर जाकर क्या है, बच्चे शायद ऐसा हो कि गाइड से चीटिंग करके लिख दें, किसी और की कॉपी से चीटिंग करके लिख दें, मम्मी पापा से पूछ कर लिख दें। तो इसीलिए आपको क्या होगा, आपने देखा आंसर प्रॉपर लिखा है करेक्ट, लेकिन बच्चे को तो उसकी नॉलेज नहीं है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप बच्चों को पढ़ाएं क्लासरूम के अंदर, और जो एक्सरसाइज का पोर्शन अवेलेबल है उसको आप क्लासरूम के अंदर ही पहले डिस्कस करें,
देन उससे रिलेटेड न्यू या उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स रह जाते हैं वो आप बच्चों को होमवर्क में दें, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है कि टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो भी आपके सूत्र यानी कि फॉर्मूलेज होते हैं, रूल्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, वो वही यूज़ की जाए आपकी बुक्स के अंदर जो आपके लिए यूज़फुल हो या आपके नेशंस के लिए यूज़फुल हो, ठीक है। ऐसे अब फॉर एग्जांपल अगर आपको प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो आपकी हाई लेवल यानी कि जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है या बाकी की 10-12 की एजुकेशन होती है, अगर उसके अंदर हम एक बुक ऐसी अवेलेबल करा दी जाए या आपको ऐसा कंटेंट दे दिया जाए जिसमें स्पेनिश आपको सीखनी है, ठीक है, तो उसको सोचने वाली बात है वो कोई आपके लिए यूज़फुल है? कोई भी यूज़फुल नहीं है। 100 बच्चों की क्लास के अंदर सबको अगर स्पेनिश पढ़ाई जा रही है तो ज़रूरी तो नहीं ना कि 100 बच्चों के लिए वो यूज़फुल हो। जिस बच्चे का स्पेनिश में इंटरेस्ट है, जो स्पेन जाएगा या फिर जैसे गाइडेंस होते हैं वो सॉरी जैसे गाइडर होते हैं, टूरिस्ट गाइड, वो बनेंगे तो उसके लिए वो चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी 99 बच्चों के लिए या 90 बच्चों के लिए वो तो यूज़लेस है ना, पूरे स्कूल के लिए यूज़लेस है। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आप टेक्स्ट बुक बनाओ वो ऐसी होनी चाहिए जो आपकी नेशन से रिलेटेड हो, जो बच्चे की लैंग्वेज से रिलेटेड हो, या ऐसे फॉर्मूलेज या फिर ऐसी स्किल्स से उसके अंदर हो जो बच्चों के लिए यूज़फुल हो। ये नहीं कि स्पेनिश पढ़ा दी वो बच्चे के लिए क्या यूज़फुल है, कल को वो 12th पास आउट करता है तो उसमें वो अपना क्या करियर बनाएगा, सिर्फ गाइडर बन सकता है कि टूरिस्ट गाइड बन गया या ऐसी चीज़ें रख सकता है, तो वो तो ऑप्शनल होते हैं, वो तो आफ्टर 12th भी वो चीज़ सीख लेगा अगर उसका इंटरेस्ट है तो। लेकिन अगर स्कूल के अंदर हम ये वाली टेक्स्ट बुक रख के देंगे तो एक को ध्यान में रख के नहीं, हमें तो ऑल ओवर को ध्यान में रख के करना है ना कि सबके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट मेरा ये था कि जब भी आप टेक्स्ट बुक का निर्माण करें तो उसके अंदर ये चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे के लिए क्या यूज़फुल है क्या नहीं, ऐसी टीचिंग मेथड्स और स्किल्स और टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपके नेशन को रिप्रेजेंट करे या आपको रिप्रेजेंट करे, तो इस टाइप से क्या है आपको अपनी टेक्स्ट बुक का निर्माण करना है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि जो बच्चे की एक्सरसाइज से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड जो भी आप प्रश्न रख रहे हो या कंटेंट रख रहे हो या एग्जांपल रख रहे हो, तो आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा हार्ड जब रखोगे ये तीनों टाइप के, तो उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी कैसे होनी चाहिए कि जब आप पहले सिंपल लेकर चल रहे हो, मान लीजिए अभी आप क्या कर रहे हो कि सिंपल क्वेश्चंस बच्चे के साथ डिस्कस कर रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दोगे उसी चीज़ को, और देन उसके बाद क्या करोगे, बिल्कुल हार्ड कॉन्सेप्ट रख दोगे। तो एक कंटिन्यूटी इसमें कैसे हुई कि आपने सिंपल के बाद नेक्स्ट स्टेप कॉम्प्लेक्स पे जंप किया, उसके बाद हार्ड पे जंप किया, ठीक है। इन तीनों को आपस में कंटिन्यूटी करते हुए आपने यूज़ किया, ऐसा तो नहीं किया ना कि सिंपल पढ़ा के बीच वाले को स्किप करके डायरेक्ट किया थर्ड पे, हार्ड वाले पे जंप कर गए, वहाँ पे तो कंटिन्यूटी नहीं होगी जो टेक्स्ट बुक होगी उनके क्वेश्चंस में या कंटेंट में। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपनी पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक का निर्माण करते हुए कि आपको जो भी आप पाठ्य पुस्तक बना रहे हो उसके लेवल में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए जो बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्राइमरी क्लासेस में 1st to 5th में आप ट्राई करोगे कि चीज़ें सिंपल हों, चीज़ें ऐसी हों जिनमें एग्जांपल्स ज़्यादा हो, बच्चे के डेली लाइफ से रिलेटेड हो और बहुत सिंपल हो जो बच्चों को समझ आए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए, अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट पढ़ पाए या फिर यही चीज़ समझ पाए कि ये चीज़ हमें पढ़ाई क्यों जा रही है। बच्चों को नहीं पता कि ये चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है, वो तो उसको बाद में पता चलेगा ना, वो जब वो थोड़ा 6th 7th में आएगा कि मेरे लिए स्टडीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तब वहाँ पे क्या करेंगे, आप ये काम करेंगे कि सिक्स सेवन्थ में जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे सिक्स टू एट्थ में, तो वहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें रखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी कंटिन्यूटी जो आपका गुण है, आपने यहाँ पे सिंपल रखा फर्स्ट टू फिफ्थ, देन आपने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, देन आफ्टर एट आप क्या करेंगे, टेंथ से ट्वेल्थ जब हो जाएगा तो उसमें और चीज़ों को थोड़ा हार्ड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे आप बच्चों में मैथ्स में फर्स्ट में मैथ्स में क्या पढ़ाएंगे, प्लस माइनस ये सब करना सिखाएंगे, देन आप थोड़ी सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हाई कर देंगे, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री और ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो इसीलिए जो भी आपको पढ़ाना है वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग क्या है, कंटिन्यूटी में होना चाहिए, जो सिंपल कॉम्प्लेक्स और थोड़ा हार्ड हो, इस वे में आपको क्या है अपनी टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन सभी के साथ साथ आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसी चीज़ें भी रखनी हैं जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो, मतलब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए हो, आपके नहीं। आप तो बोर नहीं होगे ना एक घंटे के लेक्चर में, दस घंटे के लेक्चर में, आपकी मेंटल एबिलिटी तो इतनी स्ट्रांग है, आपकी सिटिंग पावर भी इतनी स्ट्रांग है, आप फिजिकली भी इतने स्ट्रांग है कि अगर आपके सामने कोई एक घंटे का लेक्चर दे रहा है और आपको एकदम से पता चले कि नहीं ये लेक्चर एक घंटे का नहीं, पाँच घंटे आपको मिलने वाला है, तो आप अपने दिल को और अपने मन को कैसे समझाएंगे कि ठीक है कोई नहीं, आप अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग कि कोई बात नहीं मैं पाँच घंटे भी बियर कर सकता हूँ। लेकिन अगर सेम कंडीशन बच्चों के साथ हो जाए तो बच्चे क्या है एकदम रोना धोना शुरू कर देंगे, नर्वस हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, या बच्चों का ध्यान ही नहीं रहेगा, ओ शिट क्यों लेक्चर इतना पढ़ा दिया, अब नहीं बर्दाश्त होता या अब नहीं समझ आ रहा। तो इसीलिए जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इसीलिए एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी टीचिंग को इतना इफेक्टिव कर दो, इतनी इंटरेस्टिंग बना दो, ऐसी कुछ क्रियाएँ बुक्स के अंदर रखो कि बच्चे को क्या है एक्टिविटी के थ्रू, कुछ ना कुछ जोक्स के थ्रू, कुछ ना कुछ पॉइंट्स के थ्रू आप उसका ध्यान क्या है किसी और डायरेक्शन में कर सकते हो, लेकिन वो कंटेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। सिर्फ बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे हो, ये नहीं कि आप कंटेंट से उसका दिमाग हटा दो। आपको ऐसी चीज़ें बुक्स के अंदर रखनी है जो बच्चे के इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मनोरंजन की चीज़ें हो, लाइक कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, या फिर कुछ ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, या फिर कुछ फनी बात हो सकती है जिससे बच्चे प्रॉब्लम में पढ़ के कुछ सीख सकें, लेकिन कंटेंट से रिलेटेड, ये नहीं कि कंटेंट को छोड़ के आप बच्चों को कुछ और ही किसी और वे में लेके चले जाओ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि टीचिंग जो आपकी इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के टूवर्ड्स जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करानी है जो स्व अध्ययन पे बल दे, मतलब सेल्फ स्टडीज़ पे फोकस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि मैम ने पढ़ा दिया, होमवर्क दे दिया, बच्चे ने कर लिया, काम ख़त्म। बच्चे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए जिससे बच्चा अपने आप को उस कंटेंट के लिए फोकस कर सके कि मैं भी तो देखूँ इसमें क्या है, या खुद पढ़ के देखूँ, खुद कुछ चीज़ों को सॉल्व करूँ। ऐसी चीज़ें आप टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल करिए जो बच्चे की सेल्फ स्टडीज पे फोकस हो, जो बच्चे के स्व अध्याय पर फोकस हो। नेक्स्ट पॉइंट कि बच्चे के जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आपने देखा होगा प्राइमरी क्लासेस में और अभी भी 10-12 में भी देखा होगा कुछ ऐसे चार्ट और डायग्राम्स बने होते हैं कि यहाँ पे सीमा है, यहाँ पे मीना है, और उसने ये वाली प्रॉब्लम, उसके माइंड में ये आया, उसके माइंड में ये आया, देन आपको नीचे एग्जांपल सॉल्व किया गया। तो ऐसी पिक्चर्स, ऐसे चार्ट्स का यूज़ कीजिए टेक्स्ट बुक के अंदर जो बच्चों को देखने में इंटरेस्टेड लगे और बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ऐसे कलर्स होने चाहिए पाठ्यपुस्तक के अंदर। जो आपकी बुक है, आपने ओपन्स की बुक देखी होंगी,
जो भी ग्रेजुएशन ओपन से करते हैं या 10th 12th ओपन से करते हैं, तो उनकी बुक्स कैसी होती है? ब्लैक एंड वाइट में, नो कलर्स. तो बच्चे क्या है, उसको पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को बोरिंग लगती है, देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता. एक चैप्टर दिया हुआ है, एक चैप्टर के अंदर 10-10 लाइन है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई पिक्चर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. अगर 50 पन्ने हैं तो 50 पन्नों में ऐसी रामकथा लिखी होती है कि पढ़ते पढ़ते ही बंदे को नींद आ जाए. ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी NCERT की बुक होती हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, उनमें क्या होता है कि आपको एक पॉइंट समझाया, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, देन उससे नीचे आपको लिए क्वेश्चन बताया हुआ है, उसको सॉल्व करके दिखाया. तो ये चीज़ें क्यों रखी जाती हैं? जिससे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो और बच्चों को इफेक्टिव लगे. हर चैप्टर में क्या है, कलर चेंज हो जाता है. फर्स्ट चैप्टर देखेंगे आप, उसका मेन जो हेडलाइट है वो चैप्टर की वो किस में होगी, ब्लू में होगी, पेजेस में ब्लू कलर होगा. सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा तो वो पिंक में हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें क्यों रखते हैं हम टेक्स्ट बुक के अंदर, कि कलर्स होने चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, रंग गहरे होने चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए, चार्ट होनी चाहिए, ताकि वो पाठ्य पुस्तक जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है वो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. जो भी चीज़ आप मार्केट भी जाते हैं तो मार्केट में क्या है, जो भी चीज़ आप ऐसी देखते हैं कि बहुत सुंदर लग रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप क्या है उसको जाके खरीदते हैं या उसको देखते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, बहुत सुंदर लग रही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना. तो ऐसे ही अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को क्या है, इतना अट्रैक्टिव बनाओगे, तो बच्चे उसको खुद से पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि कितनी कलरफुल है, क्या क्या चीज़ें, तो पढ़ के तो देखो इसमें क्या है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक निर्मित करते टाइम यानी कि बनाते टाइम चीज़ें ध्यान में रखनी है. ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है आपकी करेक्टरिस्टिक्स और गुण में. काफ़ी ज़्यादा पॉइंट डिस्कस हो गए और आई होप आपको समझ आ रहे होंगे. उसमें लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्स्ट बुक आपकी ऐसी होनी चाहिए जो इजीली आपको अवेलेबल हो मार्केट में और जो थोड़ी सस्ती हो. अगर मान लीजिए कि आप 6th या 8th क्लास के लिए 500 रुपये की एक किताब रख दें, कि आपकी मैथ्स की जो बुक है वो 500 की है और साइंस की जो बुक है वो 550 की है, तो बच्चे क्या है उसको खरीदेंगे ही नहीं, कि यार इतनी कॉस्टली है, 8 किताबें लेनी है, क्या करेंगे. तो वो क्या करेंगे, अपने फ्रेंड से शेयर कर लेंगे. और अगर ऐसी बुक्स होंगी कि वो मार्केट में अवेलेबल ही ना हो तो भी बच्चे परेशान होंगे. तो इसीलिए बुक्स ऐसी होनी चाहिए जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, आप मार्केट में इजीली अवेलेबल करा सके, और दूसरी चीज़ उसके प्राइस इतने सस्ते हो, इतने भी नहीं कि 10 रुपये में आप दे दें, लेकिन रेंज इतनी ठीक हो कि आप 100 में या 200 में, 250 तक की रेंज में या 150 में NCERT की बुक्स आप कभी खरीद के देखिए, हार्डली आपको 50 में 60 में ऐसे मिल जाती हैं. ठीक है, तो इसीलिए उनकी रेंज इतनी क्यों रखी गई है, ताकि बच्चे उस लेवल पे क्या है फटाफट खरीद कर कोई भी चीज़ को इजीली पढ़ सके. ठीक है, ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स और मैरिट्स, कि इसके गुण क्या थे और आपकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी. अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक के एक्सटर्नल क्वालिटीज़. ये तो हो गई आपकी इंटरनल, कि हमें बुक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए. ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, यानी कि बुक्स के बाहर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको ये बुक दिखा रही हूँ तो इसमें कलर्स हैं, बाकी सब कुछ है, सामने से ही आपको कुछ ज़्यादा अच्छी सी लगेगी. ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखा दूँ जो अच्छी ना हो, मैंने फॉर एग्जांपल ये दिखा दिया, तो इसमें ज़्यादा कलर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या इसको खोलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे. ठीक है ना, तो एक्सटर्नल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए बुक्स के अंदर, अब उसके ऊपर बात करते हैं. एक्सटर्नल क्वालिटीज़ का फर्स्ट पॉइंट है कि बुक की जो जिल्द होती है, मतलब जब बुक बनाई जाती है, जो उसका कवर होता है या जो उसकी बाइंडिंग होती है, ये मान लीजिए आपकी ये आपकी बुक है. ठीक है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो जो इसकी बाइंडिंग होती है, ये जो जिसने इसको बुक को पूरा कवर किया हुआ है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि फट ना जाए.
बच्चे क्या करेंगे, एक बुक खरीदेंगे, 2 दिन में फट गई, एक चैप्टर कहीं कायम हो गया, एक चैप्टर कहीं गायब हो गया, मैं तो नेक्स्ट टाइम बुक खरीदूंगा ही नहीं, क्यों खरीदूं, एक चैप्टर तो गायब, दूसरा चैप्टर गायब, जितना बचा उतना पढ़ लो, बात खत्म। तो इसीलिए बुक का क्या है, बाइंडिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो फटे थटे ना, और मजबूत हो कि बच्चे इजीली उसको ओपन कर पाए, देन क्लोज कर पाए, देन सेफली उसको रख पाए, ठीक है। और उसी के साथ साथ इतनी साज सज्जा या आकर्षक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए कलर्स से, कि बच्चे उसको खोलकर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। अगर ये वाली बुक केवल, इसमें मैं ये लिख दूँ कि गणित की टेक्स्ट बुक, की गणित के पाठ्य पुस्तक, बात खत्म, कुछ ना हो, तो क्या है, आप देखोगे बेकार सी लग रही है, साइड रख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी बुक को मैं क्या कर दूँ, थोड़ा यहाँ पे ग्रीन कलर, यहाँ पे थोड़े ट्राइंगल बना दूँ, यहाँ पे स्केल बना दूँ, और कंपस बना दूँ मैथ से रिलेटेड, और यहाँ पे लिख दूँ मैथमेटिकली टेक्स्ट बुक, और इतने चैप्टर्स एनसीईआरटी, और सारी पिक्चर्स दे दूँ, 2 कार्टून्स खड़े कर दूँ जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं मैथ्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, वो आपको इतनी अट्रैक्टिव लगेगी कि यार प्रॉब्लम दी गई है और डायग्राम्स बनाए हुए हैं, ट्राइंगल है, कंपस है, स्केल्स है, सर्कल है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी इससे रिलेटेड, तो आप जानने के लिए क्या है, इच्छुक रहेंगे कि इसके अंदर खोल के देखता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये एक्सटर्नल पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि टेक्स्ट बुक के अंदर जो उसकी जिल्द हो वो मजबूत होनी चाहिए, जो उसकी बाइंडिंग हो वो स्ट्रांग होनी चाहिए, कि बच्चे इजीली उसको ओपन कर पाएँ, देन क्लोज कर पाएँ, और उसके बाद कि वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि बच्चे उसको ओपन करने में इंटरेस्टेड हों, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के जो छपाई के अक्षर हैं, मतलब जो वर्ड्स हैं, वो मोटे होने चाहिए और डार्क होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, KVS के लास्ट टाइम के एग्ज़ाम्स में यही पूछा था कि जो हम पाठ्य पुस्तक निर्मित करते हैं तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे बच्चे पढ़ने में बच्चों को ईजी लगे, तो उसके अंदर ऑप्शंस में आपको ध्यान रखना है। अगर ये वाला ऑप्शन मिलता है आपको तो यही आपका आंसर होगा कि बच्चे की पाठ्य पुस्तक के अंदर सबसे पहली बात यही ध्यान में रखनी है कि उसके अक्षर मोटे होने चाहिए ताकि बच्चे उसको इजीली देख सके, समझ सके, उनको मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए कोई भी लैंग्वेज के अंदर कि 2 शब्द उनको मिसप्रिंट हो रहे हैं, एक के ऊपर एक छपा हुआ है, या फिर 2 शब्द बार बार लिख दिए, ठीक है। और जो उसकी लिखाई होनी चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ते ही समझ आए, ठीक है। उसके बाद आता है कागज़ अच्छे स्तर का होना चाहिए, यानी कि जो पेपर आप उसके अंदर, बुक के अंदर यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सीटेट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, लास्ट टू लास्ट से जो निकला हुआ था लास्ट, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उसमें से एक ऑप्शन ये था कि जो पेपर की क्वालिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट करती है टेक्स्ट बुक के अंदर, मतलब पेपर की क्वालिटी इतनी पन्ने मोटे होने चाहिए कि बच्चा उसको फाड़ ना सके, या उसको 10 बार खोलने के बाद वो ना फटे। अब ऐसा तो नहीं है ना, आपने टेक्स्ट बुक खरीद ली तो उसको एक ही बार पढ़ोगे पूरे साल में, रोज़ पढ़ते हो आप, 10 बार किताब को खोलते हो कि अभी मैम आ गई तब ओपन करी, मैम ने होमवर्क दिया तब ओपन करी, घर जाके ओपन करी, ट्यूशन्स में ओपन करी, और बैग के अंदर वो उथल पुथल रहती है, तो जब बच्चा रिवीजन करता है तब ओपन करता है अपनी बुक को, तो इसीलिए किताब के पन्नों की जो लेंथ है, जो विड्थ है, वो इतनी मोटी होनी चाहिए कि बच्चा उन पन्नों को वो जल्दी घिसे पिटे ना, और उनके अक्षर क्या है जल्दी से मिटे ना, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आ जाता है कि जो पाठ्य पुस्तक का जो पन्ना है वो इतना तो होना ही चाहिए कि वो इधर उधर ना हो, या मिटे ना, या फिर इस टाइप से, लेकिन दोनों साइड पे हर पाठ्य पुस्तक के दोनों, जैसे बुक होती है आपकी 2 पेजेस होते हैं, एक इस टाइप का होता है, एक इधर होता है, देन आप पलटते हैं, देन एक इधर होता है फेस, एक इधर होता है, तो दोनों के फेसेस में इतना गैप होना चाहिए कि जो पाठ्य पुस्तक है उसमें वर्ड्स मिक्स ना हो। ऐसे जैसे मान लीजिए आपकी ये टेक्स्ट बुक है, आपने ओपन की हुई है,
तो अब ये तो नहीं है ना कि जो आपने लिखाई करी है वो बिल्कुल यहाँ हो फिर यहाँ से शुरू हो जाए। तो जो आप जब इसको बुक्स को बंद करोगे तो ये जो आपके लास्ट के वर्ड होंगे यहाँ पे, ये वाले वर्ड जो लिखे होंगे वो क्या है, बाइंडिंग में छुप जाएंगे। देन आप ऐसे खोल खोल के देखोगे या वो बाइंडिंग के अंदर बार बार खोल बंद करने से क्या होंगे, धीरे धीरे लाइट होने लगेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इतना गैप रखना है दोनों साइड कि बच्चे के जो कंटेंट लिखा है वो क्या हो, प्रॉपर वे में हो, कि बच्चा उनको उनके अक्षरों को टाइम टाइम जब भी जितनी बार खोले उसको प्रॉपर दिखाई दे, ये ना हो कि वो अक्षर मिटने लग जाए। तो आपकी पाठ्यपुस्तक जो टेक्स्ट बुक हो वो इस वे में होने चाहिए कि बीच में आपके वर्ड्स होने चाहिए, साइड में दोनों टाइम इक्वल गैप होना चाहिए। ठीक है, ये थे आपके एक्सटर्नल पॉइंट्स। एक्सटर्नल पॉइंट्स के बाद अब बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन। अब देखिए, आपने एज अ टीचर क्या किया, पाठ्य पुस्तक की क्वालिटीज़ आपको पता चल गई, करेक्टरिस्टिक्स पता चल गई कि आपको जो भी पाठ्य पुस्तक बनानी है वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के बनानी है, और एक्स्ट्रा क्वालिटी भी पता चल गई कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए, पन्ने मोटे होने चाहिए, शब्द गाढ़े होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी पता चल गई। अब बात आती है इवैल्यूएशन की, कि जो पाठ्य पुस्तक का जब हम बना लेंगे तो उनको किन किन पॉइंट पे रख के इवैल्यूएशन उसका करना है, किन जिस जिस चीज़ों को ध्यान में रखकर कि वो पाठ्य पुस्तक, वो टेक्स्ट बुक एक अच्छी क्वालिटी की है, एक अच्छे बच्चे के लिए है, मतलब वो कोई आपको गलत चीज़ नहीं सिखा रही है, जिस एज पे बच्चे को जितना ज्ञान होना चाहिए वो उसको उतना ज्ञान प्राप्त करा देगी, हेल्प करेगी, टीचर के लिए हेल्प करेगी उस चीज़ को सिखाने में। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप इवैल्यूएट करते हो अपनी टेक्स्ट बुक को, तो अब उस पर बात करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी ऐसी कंडीशन होती है कि आपकी टीचर क्लास में एब्सेंट है या फिर मैम किसी काम में बिजी हैं, तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए अवेलेबल जिससे बच्चा अपने द्वारा घर पर अध्यापक की अनुपस्थिति में भी, मतलब बच्चे टीचर की अगर टीचर अटेंडेंट नहीं है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में भी बच्चा खुद से उन चीज़ों को सीख सके। समझ आई, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको जब टेक्स्ट बुक का आप इवैल्यूएशन करो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या टेक्स्ट बुक ऐसी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके टीचर आपके सामने नहीं है या आपकी टीचर किसी काम में व्यस्त है तो तब भी उस कंडीशन में भी वो बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि बच्चा खुद सीख सके, खुद लर्निंग कर सके। ये तो नहीं कि टीचर के होने के बाद ही आप लर्निंग करोगे, उससे पहले वो कॉन्सेप्ट आप सीख ही नहीं सकते, इतना इजी है ही नहीं कि आप टीचर के बिना उसको सीख लो। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर्स है, जो भी आप कंटेंट उसके अंदर रख रहे हो वो बच्चों के लिए इतना इजी हो, इतना सिंपल हो या इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर आप अवेलेबल नहीं हो एज अ टीचर उनके सामने तो बच्चा घर पर भी उसको अपने अकॉर्डिंग सीख सके या फिर उसके अकॉर्डिंग होमवर्क कर सके, सेल्फ स्टडी कर सके। ठीक है, हर टाइम तो उसको टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। अब अगर आप क्लासरूम में पढ़ा भी दोगे तो जब बच्चा घर पर जाएगा तब क्या करेगा, वहाँ पर क्या करेगा, लर्निंग करेगा, देन वो टीचर के बिना कैसे करेगा, टीचर को तो घर पे लेकर नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो खुद या तो चैप्टर को पढ़ेगा या जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेगा, देन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ों को ध्यान में रख के इवैल्यूएट करना है बुक को कि जब टीचर अवेलेबल ना भी हो तो बच्चों के लिए कंटेंट इतना इजी को होना चाहिए या इस वे में होना चाहिए कि बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी उससे इजीली कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि इवैल्यूएशन करते टाइम आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि उस टेक्स्ट बुक को किस पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है,
कोई मान्यता प्राप्त संस्थान है या नहीं है, ये तो नहीं कि मैंने कोई बुक लिख दी मार्केट में निकाल दी कि पढ़ो, उसका कुछ यूज़ है आपकी लाइफ के लिए है, आप उसको अपने कंटेंट में कलेक्ट कर सकते हो, नहीं ना। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि NCERT के थ्रू, CBSE बोर्ड के थ्रू, या जो भी आपके टेक्स्ट बुक्स हैं जो अवेलेबल कराते हैं, तो उनके थ्रू, NCERT के थ्रू वो पब्लिश होनी चाहिए बुक, वो ताकि वो आपको पढ़ने में इजी हो। इजी मेरा मतलब यहाँ पे इससे है कि जब कोई बुक अगर किसी पब्लिशर के द्वारा, जो हमारे बोर्ड्स हैं उनके द्वारा आपको दी जा रही है, तो इट मीन्स आपके लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर वो बेस्ड है, और आप उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी भी होगी और आपके लिए वो यूज़फुल भी है कि उसी के द्वारा आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर सेम कॉन्सेप्ट, मान लीजिए 6th क्लास की मैंने मैथ्स की बुक पढ़ी कि इसके अंदर ये पॉइंट है, ये चीज़ें तो मैं भी लिख दूंगी, और मैंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक बुक लिख दी अपने एग्जांपल्स के थ्रू, वो आपको पढ़ने के लिए दे दी, वो इजी तो रहेगी, वो अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, लेकिन उसको हम एक मान्यता प्राप्त बुक नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी ऐसी संस्थान के द्वारा हमें पब्लिश हुई हुई नहीं मिली है जो आपके बोर्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको अपने टेक्स्ट बुक की इवैल्यूएशन करते टाइम ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात कर रहे थे, ये पॉइंट आता है कि जो जिस भी मास्टर की मास्टरी हो अपनी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख के इवैल्यूएट करनी है कि कोई ऐसी टीचर ना हो कि जिसकी बस ऊपर ऊपर की नॉलेज हो, इतनी डीप नॉलेज ना हो, बाकी क्या इधर उधर की बाकी जो राइटर्स हैं उनकी बुक से चीटिंग करके अपनी न्यू बुक मेंटेन कर दे। तो इसीलिए आपको इवैल्यूएशन के अंदर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि किसकी मास्टरी या किसकी कितनी कमांड अपने सब्जेक्ट में है, या जो भी आपके पाठ्य पुस्तक यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक को रेडी कर रहा है उसको ऊपर फोकस आपको इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है। उसके बाद 2-3 पॉइंट हैं आपके मोटे मोटे, उन पे बात कर लेते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे बुक क्या है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए, उसके मोटे अक्षर होने चाहिए, रंग गहरे और गाढ़े होने चाहिए, बुक की साज सज्जा यानी कि इतना दिखा, मतलब जो उसका सजावट हो तो वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। उसके बाद अच्छे कागज़ का प्रयोग किया जाना चाहिए, उचित मूल्य का प्रयोग किया ना जाना चाहिए, बुक इतनी कॉस्टली ना हो कि बच्चे उसको ख़रीदने में असमर्थ हों और उनकी जो है प्राइमरी एजुकेशन या बाकी की एजुकेशन ही ना हो पाए, ठीक है। और क्या है, छात्र को सुधारने के अवसर उसके अंदर होने चाहिए, मतलब पाठ्य पुस्तक एक ऐसी टेक्स्ट बुक होनी जो ज़रूरी है जो बच्चों के बिहेवियर में चेंज कर सके। अगर बच्चा कभी किसी गलत रास्ते पर भी चला जाता है तो किताबों के अंदर ऐसे ज्ञान बातें या कहानियाँ या कुछ ऐसी डीप नॉलेज होनी चाहिए जिससे बच्चा जो है उस चीज़ को समझ सके कि मुझे ये काम नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए क्लास के अंदर बच्चे की चोरी करने की लत लग जाती है, अगर बच्चा चोरी करने लगता है, लेकिन प्राइमरी क्लासेस में आपने देखा होगा कहानियाँ होती हैं, मुहावरे होते हैं, लोकतियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, तो वो कोई ना कोई क्या है कहानियाँ वगैरह हमको सीख देती हैं। तो प्राइमरी क्लासेस में जैसे वो शेर की कहानी थी कि वो जंगल के सभी जानवरों को खा रहा था, तो उससे लास्ट में हमें क्या सीख मिलती है कि अपनी शक्ति पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, उससे हमें एक अलग वो मिलती है, कहाँ वो सीख मिलती है। तो ऐसे ही किताब या पाठ्य पुस्तक आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे को कोई ना कोई सीख मिले, जिससे बच्चा कुछ अच्छा सीखे, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो कभी किसी गलत रास्ते पे चला भी जाता है कि मान लीजिए कोई बच्चा चोरी करना सीख जाता है,
और आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन सी चीज़ें उस एज में बच्चों के लिए लत लग ही जाती है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी चीज़ का गलत साथ देना, ईर्ष्या करना और ये सारी, या अपने आप को दिखाना, अगर इससे रिलेटेड अगर आप कहानियाँ रखते हो किताबों के अंदर, तो बच्चे क्या होंगे, उससे कुछ ना कुछ सीख प्राप्त करेंगे कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें गलत हैं या किसी भी रूप में हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन करते टाइम आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि पाठ्य पुस्तक आपकी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कर सके, यानी कि उसका बिहेवियर चेंज कर सके, उसको कुछ नया और अच्छा सिखा सके। ठीक है, उसके बाद पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को एक क्रिएटिव बनाने में मदद करे, मतलब बच्चे की जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उनको बाहर निकालने में हेल्पफुल हो। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने ये वाला चैप्टर ले दिया, उसको पढ़ना है, बात ख़त्म, बुकिश लैंग्वेज आपने पढ़ ली, बात ख़त्म। उसके अंदर आप एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करो या कुछ चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व करो जिससे बच्चा क्या है, अगर वो चीज़ें करेगा या सीखेगा तो उसके अंदर हमें पता चलेगा कि बच्चों को यहाँ पे इंटरेस्ट है, या बच्चा देखो इस चीज़ को और कितने अच्छे तरीके से बता सकता है, उसके अंदर अपनी क्वालिटीज़ ऐड करके उसको कैसे बता सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है आपको एज अ टीचर कि आप बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर ला सको, उसकी क्वालिटीज़ को बाहर ला सको, उसकी कुशलता, उसकी मेंटल लेवल इंटेलिजेंस को और शार्प कर सको। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तक के उपयोग क्या है, यानी कि यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुक। अब आपने पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर लिया, पाठ्य पुस्तक का इवैल्यूएशन कर लिया, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक का आपको उपयोग कहाँ कहाँ करना है, क्यों करना है। ठीक है, तो उसमें आपका पहला पॉइंट आता है, कि पाठ्य पुस्तक बच्चे की स्वयं की बुद्धि को और समय को एक सही रूप में बनाने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, कभी आपके, हम जो क्लासरूम टीचिंग करते हैं उसमें आपके सामने टीचर अवेलेबल होती है, वो आपको पढ़ा देती है, समझा देती है, लेकिन जब आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, 10 दिन आपकी टीचर को फीवर हो गया या वो किसी शादी में चली गई, फंक्शन में चली गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 10 दिन तक आप कुछ पढ़ोगे ही नहीं। तो इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक आपको टेक्स्ट बुक इसलिए दी जाती है कि जो आपकी टीचर की नॉलेज है वही सारी चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल है। तो इसीलिए जब अगर आपके पास टीचर भी नहीं है या कुछ ऐसे मटेरियल नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है बाकी कि कंप्यूटर नहीं है, या आप ट्यूशन्स नहीं ले पा रहे हो, कुछ गरीब बच्चे होते हैं कि ट्यूशन्स नहीं ले पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुद सेल्फ स्टडीज़ करके बुकों को पढ़ते हैं, उनको वही नॉलेज हो जाती है। जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं वो किसी की हेल्प से उस चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन जो ट्यूशन नहीं जाते हैं वो खुद से उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो टेक्स्ट बुक का मेन काम ये है कि बच्चे का समय बचाना, और दूसरा जब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ ना हो, उसकी टीचर ना हो, तो उस टाइम पे भी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक का यूज़ करके स्व अध्ययन के द्वारा लर्निंग कर सके। ये नहीं कि मुझे ट्यूशन नहीं मिल रहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, टीचर नहीं है, तो मैं पढ़ाई ही नहीं करूँगा। आप एक बार बुक को पढ़ के तो देखो, क्या पता बुक आपको इतनी इजी लगे, इतनी अच्छी लगे, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सॉल्यूशन बताए हुए हैं कि आप खुद ही उसको पढ़ के सीख जाओ। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक का सबसे पहला यूज़ यही है कि जिन बच्चों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं होती हैं, तो वो क्या करते हैं, स्व अध्ययन के द्वारा अपनी पाठ्य पुस्तक का सही इस्तेमाल करके अपने लिए नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें अपना कि पाठ्य पुस्तक जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो टीचर के लिए भी यूज़फुल है। स्टूडेंट के लिए तो हो गई कि वो सेल्फ लर्निंग करके नॉलेज गेन कर लेता है, टीचर के लिए इसलिए यूज़फुल है कि वो टीचर को इंस्ट्रक्शन देता है, टीचर को इंस्ट्रक्शन देती है आपकी टेक्स्ट बुक कि एक टाइम के अंदर आपको कितना कंटेंट या कितना ज्ञान बच्चों को प्रदान करवाना है। अब आपके पास एक बुक है,
एक बुक के अंदर मैथ्स के साइंस के मान लीजिए 15 चैप्टर हैं या 10 चैप्टर हैं, तो आपको पता है कि ये वाली पूरी बुक पूरे साल में ख़त्म करनी है, तो आपको पता है कि इस साल के अंदर बच्चों के अंदर इन 15 चैप्टर्स का ज्ञान हो जाना चाहिए। आपको कब कैसे क्या किन चीज़ों का यूज़ करके पढ़ाना है वो आपके ऊपर है, लेकिन इन 15 चैप्टरों में से एक भी चैप्टर मिस नहीं होना चाहिए जिसका बच्चों को ज्ञान ना हो। तो वो टीचर को टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि 15 चैप्टर है तो आपको 15 के 15 चैप्टर बच्चों को इंस्ट्रक्ट वो बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर आपका कि टेक्स्ट बुक का एग्जामिनेशन के अंदर बहुत यूजफुल है। जब भी आप एग्ज़ाम लेते हो एज अ टीचर या बच्चे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा भी हमारे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, कि जब भी आपके एग्ज़ाम्स होने होते हैं तो उससे 15 दिन पहले 20 दिन पहले के आपके हॉलीडेज हो जाते हैं, छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो अब तक पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर सको, रिवीजन कर सको, देन आप क्या है एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो सको। आप रिवीजन कहाँ से करते हो? अपनी टेक्स्ट बुक से ही तो करते हो, अपनी टेक्स्ट बुक उठाते हो कि मैम ने ये चीज़ें पढ़ाई थी, ये चीज़ मिस हो गई, तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स ढूंढते हो, खुद सॉल्यूशन निकालते हो। तो उस टाइम पे क्या है, आप टीचर नहीं लेकर आते ना, ट्यूशंस नहीं लेकर आते, आप क्या करते हो अपनी टेक्स्ट बुक को इवेल्यूएट करते हो, अपनी टेक्स्ट बुक के द्वारा पढ़ते हो। यानी कि जब आपकी परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके अंदर आपको रिवीजन के लिए या अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करने के लिए आप सबसे ज़्यादा आपकी टेक्स्ट बुक जो होती है वहाँ पे आपकी उस कंडीशन में यूज़फुल होती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट में बात आती है कि इवेल्युएशन करने में हेल्पफुल होती है, मतलब टीचर का भी, एग्जामिनेशन का भी और स्टूडेंट का भी। एक बुक के अंदर जितना कंटेंट दिया गया है वो बच्चों ने कितना समझा, टीचर ने कितनी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और एग्ज़ाम जो हमने बनाए हैं कि बच्चा ये चीज़ें बता देगा, इन इन चीज़ों का सलूशन निकाल देगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स को कितना अचीव करने में हेल्पफुल रही। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है वो तीनों पॉइंट को, यानी कि जो आपका ट्रायंगल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, आपकी टीचर, आपकी स्टूडेंट और आपका इवेल्युएशन या कंटेंट, उसको इवेल्युएट करने में हेल्प करती है आपकी टेक्स्ट बुक, कि बच्चों को कितना ज्ञान प्रदान करना है उस चीज़ के बारे में पता चलना है, टीचर को क्या ज्ञान अपनी तरफ से देना है, किन स्किल्स का यूज़ करना है उस चीज़ के बारे में पता चलना है। और जब आप इवेल्युएट करते हो, मूल्यांकन करते हो, उसमें आप कितने सक्सेसफुल रहे उस चीज़ का ज्ञान आपको आपकी टेक्स्ट बुक देती है। सिक्स पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट के अंदर जो भी टॉपिक टीचर को पढ़ाना है उसके लिए प्री प्लानिंग करनी या लेसन प्लान या यूनिट्स प्लान रेडी करने के लिए हमारी टेक्स्ट बुक बहुत यूज़फुल है। अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक ही नहीं होती तो टीचर को क्या पता आज मैंने ये पढ़ाया कल मुझे ये पढ़ाना है, ये तो नहीं ना आज रात को मैंने बिग बॉस देखा है तो चलो कल बिग बॉस के बारे में पढ़ा दूँगी, कल मैं सास बहू देखूँगी परसों सास बहू के बारे में पढ़ा दूँगी। तो वो चीज़ क्या है, मैं ऑन द स्पॉट, टीचर रास्ते में आ रही है, उसने देखा दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो चलो ठीक है ऑन द स्पॉट सोचा आज कि आज कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है उसके बारे में पढ़ा देती हूँ कि वो दो लोग फाइट कर रहे थे, ये चीज़ें तो नहीं है ना। तो इसीलिए टीचर को अपनी पाठ्य पुस्तक या जो भी उसको पढ़ाना है टीचर को, उस टॉपिक को प्री प्लान करने के लिए, एलपीज रेडी करने के लिए, टीचिंग मटेरियल्स रेडी करने के लिए और आपके टीचिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स रेडी करने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक जो है हेल्पफुल होती है। कि आज मैंने बोर्ड मास पढ़ा दिया, कल सिंप्लीफिकेशन पढ़ाना है तो मैं सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या चीज़ें पॉइंट में रखूँगी, किन किन एग्जाम्पल्स का यूज़ करूँगी, किन किन टीचिंग एड्स का यूज़ करूँगी, किस पॉइंट पे जाके इवेल्युएशन करूँगी, ये सारी चीज़ें क्या हैं टीचर प्री प्लान करता है। प्री प्लान कब करेगा, जब आपके पास टेक्स्ट बुक होगी कि आज मैंने ये पढ़ाया है ये करना है, ठीक है। इसके अंदर जब टीचर को पता होगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, अब जो आपकी टीचर है उसकी एज है 40-30 ऐसे है, और जो आप स्टूडेंट हो
वो है मान लीजिए 5, 6 साल का, 10 साल का, तो उनके अंदर जो डिफरेंस आ गया जब उस टीचर ने अपनी लर्निंग करी होगी किसी ज़माने में, तब टेक्स्ट बुक अलग रही होंगी, तब कॉन्सेप्ट अलग रहे होंगे, तब कंटेंट अलग रहा होगा। तो आज जब ये चीज़ें आ गया है, नया कॉन्सेप्ट या जो आपको वो पढ़ाने वाली है, तो उसका यूज़ वो आपको कैसे पढ़ा पाएगी एकदम से? वो तो उसके लिए भी न्यू है ना, उसकी पढ़ाने की स्किल्स अच्छी हैं लेकिन कॉन्सेप्ट पे हो सकता है कि उसको पता ना हो। तो जब तक वो अपने लिए उसको वेल प्रिपेयर्ड नहीं करेगी, खुद पढ़ के नहीं देखेगी, खुद वहाँ पे एग्जांपल्स नहीं निकालेगी, तो वो आपको कैसे पढ़ाएगी, राइट? तो इसीलिए वहाँ पे उस कंडीशन में क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक यूज़फुल होती है कि टीचर को पता है कि आपको आज बोर्ड मास पढ़ाया, कल सिंप्लीफिकेशन पढ़ाना है, तो टीचर पहले उस चैप्टर को खुद पढ़ती है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स ढूंढती है, उससे रिलेटेड टीचिंग एड्स प्रिपेयर करती है, देन आपको पढ़ाती है, ठीक है? 6 पॉइंट है आपका कि टेक्स्ट बुक आपकी वहाँ पे भी यूज़फुल होती है कि वो सभी के लिए यूज़फुल हो। मतलब ऐसी टेक्स्ट बुक ना हो कि 100 क्लास, मतलब बच्चों की अगर एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो उसमें से केवल एक बच्चे के लिए अच्छी, 99 बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। जैसे मैंने आपको स्पेनिश का बताया था एग्जांपल, कि अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेक्स्ट बुक स्पेनिश की रख लेते हो, एक बच्चे का इंटरेस्ट है स्पेनिश करने का, या उसको टूरिस्ट गाइड बनना है, या उसको स्पेनिश सीखनी है, स्पेन जाना है, तो वो उसके लिए तो यूज़फुल है लेकिन बाकी 99 बच्चों के लिए तो यूज़फुल नहीं है ना। तो इसीलिए वहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आपकी टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट हो वो सभी के लिए यूज़फुल हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर जो मटेरियल होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो चैप्टर्स दिए होते हैं, वो इतने सुव्यवस्थित हो या वो इतने सुव्यवस्थित हो कि आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का गहन अध्ययन करने में हेल्प करे। मतलब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, क्या नेचर से रिलेटेड पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको उसकी डीप नॉलेज मिलनी चाहिए। ये नहीं कि ताजमहल क्या है, बस उसके कलर के बारे में बता दिया और कहाँ है आगरा में, बात ख़त्म। आपको उसकी डीप नॉलेज तो मिली नहीं, आपको ये ही नहीं पता चला कि ताजमहल पढ़ाने का पर्पस क्या था या उसके बारे में बताने का क्या पर्पस था। जब तक आप उसकी डीप नॉलेज नहीं दोगे कि वो कब बनवाया गया, किन पत्थरों से बनवाया है, कैसे बना, बाद में किसने बनवाया, बनवाने के बाद मजदूरों के हाथ काट दिए गए, या ताजमहल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि टॉपिक ऐसे होने चाहिए टेक्स्ट बुक के अंदर, वहाँ पर यूजफुल होगी कि जब उससे बच्चों के गहन अध्ययन के अंदर सहायता प्राप्त होगी, ठीक है? तो हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर जो आपका फर्स्ट पॉइंट था वो था आपका टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक। इसके बारे में हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि मैरिट्स, आपके डीमैरिट्स और इसके एक्सटर्नल यूजेस, और इसको यूजफुल इसके लिए कहाँ है, और इसकी इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो आपका ये वाला जो वीडियो है यहीं पे फिनिश होता है टेक्स्ट बुक के टॉपिक के साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे टीचर्स गाइड, ठीक है? इंस्ट्रक्शन मटेरियल के ही ये सारे सब पॉइंट्स हैं, वो सारे 1 by 1 आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम टीचर गाइड्स पढ़ेंगे, तो ये वाली वीडियो को यहीं पे फिनिश